फेसबुक पर क्या हैशटैग्स मैटर करते हैं, और करते हैं तो कौन से हैशटैग्स हम अपने पोस्ट में, अपनी रील्स में लगाएं, ये हम बात करने वाले हैं आज ऐसे एक वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना अगर आप सीखना चाहते हैं सही तरीका हैशटैग्स अप्लाई करने का अपने फेसबुक पोस्ट एंड रील्स में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCube Tech चैनल। सो आज हम हैशटैग्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या हैशटैग्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं। तो देखिए, हर एक सोशल मीडिया के लिए कहीं ना कहीं हैशटैग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रैफिक बहुत सारा है, क्रिएटर्स बहुत सारे हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ जो एल्गोरिदम है, ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है, उस पर बेस नहीं रह सकते। आपका कंटेंट किस कैटेगरी में जाना चाहिए, इसके लिए कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हैशटैग्स का सहारा लेते हैं, आपके कैप्शंस का सहारा लेते हैं, और कैप्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हैशटैग्स, ठीक है। उसी के साथ ही जो दूसरा बेनिफिट आपको हैशटैग्स से मिलता है कि कोई भी पर्सन एक पर्टिकुलर हैशटैग्स को क्लिक करके एक पेज वहाँ पर ओपन हो जाता है, जो जिसने जिसने भी वो हैशटैग यूज़ किया है वो सारे पोस्ट वहाँ पर आ जाते हैं, और देयर आर चांसेस कि उस पेज के अंदर आपका पोस्ट भी वहाँ पर रहेगा अगर आपने वो हैशटैग यूज किया है तो। और उसी के साथ ही अगर किसी ने कोई हैशटैग फॉलो किया हुआ है, तो अगर जब भी आप कोई पोस्ट करोगे उस हैशटैग को पुट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मार्केटिंग हैशटैग जो है वो फॉलो किया हुआ है, और जब आप कोई पोस्ट करते हो और उसमें मार्केटिंग हैशटैग यूज करते हो, तो उस पर्सन के पास 50% चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन जाएगा, तो डेफिनेटली हमें एक फायदा मिलेगा। तो अब सवाल आता है कि आखिर हैशटैग्स कौन से यूज करने चाहिए, कितने यूज करने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो कोई लिमिटेशन नहीं है फेसबुक की तरफ से कि हैशटैग्स कितने लगने चाहिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन जो आपको है वो है 8 to 10 हैशटैग्स आप अपने किसी भी पोस्ट या रील्स में लगाएं, ठीक है, 8 to 10। अब वो जो 8 to 10 है वो कौन से हैशटैग्स लगने चाहिए, तो वो हैशटैग्स होने चाहिए ऑफ कोर्स आपके पोस्ट से रिलेटेड, लेकिन पोस्ट से रिलेटेड तो हजारों हमारे हैशटैग्स बन सकते हैं। लेट्स से अगर मैं एक पोस्ट कर रही हूँ कि जीरो बजट मार्केटिंग टिप्स, ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारे हैशटैग्स बन सकते हैं, जीरो बजट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, बूस्ट योर सेल, बूस्ट योर बिजनेस, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर हैशटैग्स बन सकते हैं। तो क्या सारे हैशटैग्स लगाने हैं? तो देखिए नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप एक न्यू कमर है, मतलब एक नया पेज है आपका, अभी आपके 1000-2000 ही फॉलोवर्स हैं, ज़्यादा इतना बड़ा आपका पेज नहीं है, तो उस केस में आपको वो हैशटैग्स यूज करने हैं जिन पर जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है, जब भी आप हैशटैग लगाओगे ना तो उसके आगे नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, वो नंबर ऑफ पोस्ट अराउंड 1 लाख से कम ही होने चाहिए। यानी आप एक रेंज में आपको बता देती हूँ कि 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होने चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपके पोस्ट हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, उस पर्टिकुलर हैशटैग के लिए, तो मतलब हाई कंपटीशन होगा और कहीं ना कहीं आपका पोस्ट लोगों को दिखे इसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए जो मैं फर्स्ट आपको रेंज दे रही हूँ, दैट इज 50,000 to 1 लाख के बीच में जो नंबर ऑफ पोस्ट हों जिस हैशटैग पर, वो आपको यूज़ करना है इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसके लिए एक बार अपन चलते हैं फेसबुक पर, और वहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियो में पोस्ट किया था, जो उसका हमने कैप्शन लिखा था, तो उस पर कैसे चूज करना है हैशटैग्स ये देख लेते हैं। इसी के साथ ही अगर आप हमारे साथ में प्रैक्टिकली SEO या डिजिटल मार्केटिंग या पेड एड सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे फिल कीजिए एंड 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस हमारी लाइव बैचेस की ज्वाइन कीजिए। हमारे बैचेस में आपको मिलता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिससे आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही कई सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, कई सारे सेल्फ पेस्ट कोर्सेज का एक्सेस भी, और भी बहुत कुछ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। तो देखिए, ये वाला पोस्ट हमने किया था, इसको मैं राइट क्लिक करके और इस तरह से एडिट कर लेती हूँ। एडिट करने के बाद में लास्ट में ही हैशटैग लगाई है। वैसे तो हैशटैग आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन लास्ट में दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। तो अब हैशटैग क्या लगाना है, आपको हैशटैग लिखना है। अब यहाँ पर हम जैसे फर्नीचर रिलेटेड ये पोस्ट था, जैसे हाउ टू क्लीन योर फर्नीचर, ठीक है, हाउ टू क्लीन योर वुडन फर्नीचर, ये हमारा पोस्ट था। तो अब मैंने यहाँ पे फर्नीचर लिखा, तो देखो इस फर्नीचर पे कितने पोस्ट हैं, 33 मिलियन, यानी वेरी वेरी हाई कॉम्पिटिशन, ठीक है। फर्नीचर डिजाइन, इस पर भी 8.1 मिलियन पोस्ट हैं, तो ऑफकोर्स मैं इसको चूज नहीं करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉड, मतलब स्पेसिफिक करती हूँ, जैसे फर्नीचर क्लीनिंग 60K पोस्ट है, तो ये काम का है, बिल्कुल ये मेरे काम का है, ठीक है। देन एक और हैशटैग लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है क्लीन फर्नीचर, तो इस पे 1000+ ही पोस्ट है, तो ये थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड करूंगी। मैंने जो रेंज डिसाइड करी है 50,000 से लेकर 1 लाख पोस्ट के बीच में होना चाहिए, तो वही मैं चूज करूंगी, ठीक है। उसके अलावा हम लिखेंगे हाउ टू
अब जैसे कि मैं वुडन फर्नीचर लिख देती हूँ, देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत लगेगी, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के एंड में टूल भी बताऊंगी जिसके आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो वुडन फर्नीचर डिजाइन है, तो डिजाइन तो मैंने यूज करूंगी। वुडन फर्नीचर पर 1.9 मिलियन पोस्ट है, तो ये भी मेरे काम का नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको वुडन फर्नीचर क्लीनिंग, तो इस पर भी फ्यूअर देन 1000 पोस्ट है, तो इसको भी मैं यूज नहीं करूंगी। तो इसको मैं क्लीन वुडन फर्नीचर देखते हैं ऐड करके, तो इस पर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। फर्नीचर DIY एक बार लिख कर देती हूँ, ठीक है, तो ये भी मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर। फर्नीचर आइडियाज, ये देखो 42K पोस्ट हैं, तो इसको एक बार मैं चूज कर लेती हूँ। देन नेक्स्ट हैशटैग यहाँ पर लगाते हैं, जैसे क्लीनिंग, क्लीनिंग से रिलेटेड जैसे क्लीनिंग हैक्स, ठीक है। तो इस पर अराउंड 6 लाख के आसपास पोस्ट हैं, तो क्लीनिंग हैक्स एक बार मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को इससे रिलेटेड और कम में जो है पोस्ट वाला वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है इसलिए। तो इसलिए मैं अब अपनी रेंज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, लाइक 5 लाख के आसपास, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई रेंज बता दी तो आपको उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। हो सकता है फ्यूचर में कोई पॉपुलर टॉपिक जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, तो हायर रेंज, जैसे मेरे को 33 मिलियन मिल रही है, तो मैं 5 मिलियन वाली रेंज डिसाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अपन एक और रेंज बना लेते हैं, 50,000 से लेकर 5 मिलियन, इसके बीच में जो हैशटैग्स हैं जिन पर इतने पोस्ट हैं वो मैं यहाँ पर चूज करूंगी, ठीक है। उसके अलावा ये DIY होम, ठीक है, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, तो ये ऑफ कोर्स मेरे से रिलेटेड है, ठीक है। क्लीन फर्नीचर कुछ रिलेटेड भी हम ले लेते हैं। फर्नीचर डेकोर मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके अलावा कुछ और फर्नीचर के सिनोनिम्स निकालिए, जैसे होम क्लीनिंग से रिलेटेड देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है, जैसे होम क्लीन ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। उसके अलावा होम क्लीनिंग टिप्स, ये एक कीवर्ड हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अब जो हैशटैग लिए हैं, ये हैशटैग्स इन पर कंपटीशन कम है, एज वेल एज पोस्ट भी इन पर एक्टिव है, क्योंकि अगर मैं कम पोस्ट वाले हैशटैग्स लूंगी तो डेफिनेटली क्या उसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर हैशटैग है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ऐसे में ज्यादा लोगों तक हो सकता है आपका ये पोस्ट ना पहुंचे। तो मैंने कुछ जो यहाँ पर हैशटैग्स लिए हैं उन पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा नहीं है, प्लस वो पॉपुलर भी हैं, तो इस तरह से आपको अपने हैशटैग जो है वो डिसाइड करने हैं, ठीक है। मैं इसको यहां पर सेव कर देती हूं एक बार। अब इसके बाद में मैं आपको ऐसा टूल बता देती हूं जिससे कि आप फेसबुक के लिए हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं बिना, आपको वहां से आइडियाज मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहां पर देखने, फेसबुक पर आकर ही आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर हैशटैग पर कितने पोस्ट हैं, ठीक है। तो देखो ये एक टूल है hashtags.datagemba.com, ठीक है। आप नॉर्मली गूगल पर टाइप करेंगे हैशटैग जनरेटर फॉर फेसबुक तो भी फर्स्ट जो है यही आ जाएगा। वैसे यहां पर आपको जरूरी नहीं है यही टूल आप यूज करो, इंस्पिरेशन के लिए आप कोई और भी हैशटैग टूल यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसको वेरीफाई फेसबुक पर आकर ही करना पड़ेगा पोस्ट में डाल के, ठीक है। वो मैं अभी आपको बता दूंगी कैसे आपको करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जैसे लिखा मैंने फर्नीचर और क्लीनिंग, ठीक है, और इसको मैं एक बार सर्च करूंगी फर्नीचर क्लीनिंग लिख के। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो हैशटैग्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है हम ये सारे लेने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। कंट्रोल सी आपको करना है, यानी इसको कॉपी आपको पूरा कर लेना है, फिर आना है अपने पोस्ट पर। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आप नॉर्मली पोस्ट करोगे तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। अब जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर इस तरह से हैशटैग्स यहाँ पर कॉपी कर देना है। अब आपको करना क्या है, एक एक हैशटैग के आगे जैसे इस तरह से आपको लिखना है तो आपको पता चल जाएगा फर्नीचर क्लीनिंग 60K पोस्ट, ठीक है। कार्पेट क्लीनिंग, ठीक है, इस पर अगर मैं देखती हूँ तो कार्पेट क्लीनिंग पर 1.7 मिलियन पोस्ट है, और कार्पेट क्लीनिंग वैसे भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अब होल्स्ट्री क्लीनिंग, तो इसको ये भी मेरे काम का नहीं है। स्टीम क्लीनिंग, ये भी मेरे काम का नहीं है। उसी के अलावा रेसिडेंशियल क्लीनिंग, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, बट इस पर मैं देख लेती हूँ कितने पोस्ट हैं, तो 7 लाख के आसपास इस पर पोस्ट हैं, तो आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। कमर्शियल क्लीनिंग, इसमें देख लेते हैं कितने पोस्ट हैं, तो कमर्शियल क्लीनिंग पर भी 8 लाख से ज़्यादा हैं, तो एक बार के लिए मैं कमर्शियल क्लीनिंग को हटा रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये। उसी के साथ ही आप हॉलस्ट्री, आई थिंक ये कोई नेविगेशनल कीवर्ड है, मतलब कोई कंपनी का वो है। उसी के साथ ही अपार्टमेंट क्लीनिंग पर अराउंड 40,000 पोस्ट हैं, तो ये भी हम ले लेते हैं एक बार। स्टीम क्लीनर्स मेरे काम का नहीं है, पेंटिंग मेरे काम का नहीं है। जो जो आपके काम का नहीं है उसको हटाते जाइए, और जो जो काम का है उसमें पोस्ट चेक करके फिर उसको वेरीफाई करते जाइए। कार्पेट डॉक्स मेरे काम का नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट हार्डवुड फ्लोर, ये भी मेरे काम का नहीं है। इसमें से मैं वो हटा देती हूँ जो कि मेरे काम के बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
तो जैसे ये क्लीनिंग आ गया, तो क्लीनिंग में देख लेते हैं कितना है. तो क्लीनिंग के अंदर 6.3 मिलियन पोस्ट हैं. तो अगेन भले ये मेरे काम का है, लेकिन ये इस पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यानी पोस्ट बहुत ज्यादा है. तो अभी मैंने कुछ ये तीन हैशटैग निकले हैं ऐसे ही करके, जैसे अभी मैंने एक कीवर्ड यहाँ पर डाला और मुझे हैशटैग जनरेट हुआ है. ऐसे आप और भी हैशटैग यहाँ पर जो है जनरेट करके उनको वेरीफाई कर सकते हैं फेसबुक पर जाकर. तो कुछ इस तरीके से आप अपने पोस्ट के लिए हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं. बाकी ऐसा जिसका कोई फ्री टूल अवेलेबल नहीं है, तो आपको फेसबुक पर जाकर ही एक एक हैशटैग लिखकर और हैशटैग की इंस्पिरेशन लेकर बाकी सारे टूल से, और एक एक हैशटैग लिखकर उनकी पोस्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट करके, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा हैशटैग आपको लेना है. बस ध्यान रखिए, जब अगर आपका नया पेज है, आप फेसबुक पर अभी नए हैं, आपका पेज नया बना है, अभी पेज स्टार्ट ही हुआ है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट काउंट वाले हैशटैग्स यूज ना करें, और ना ही बहुत ज़्यादा कम पोस्ट वाले हैशटैग ट्राई करें. आप एक रेंज रख सकते हैं, और इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर निश, निश आपका कितना पॉपुलर है. तो जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो एक रेंज अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाना है, एज वेल एज लो भी नहीं जाना है. तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग.